और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा मेरी प्यारी बिंदु के रिव्यूज के बारे में। जी हाँ, अलग अलग साइट्स पर अलग अलग रिव्यूज आए हैं अभी तक के, जो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ फटाफट। और सबसे पहले मैं बिना देर किए आपको बताऊंगा इस मूवी के जो दो बेहतरीन करेक्टर्स हैं उनके बारे में। आयुष्मान खुराना, परिणीति चोपड़ा जो रोल निभा रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। आयुष्मान खुराना अभिमन्यु रॉय का रोल निभा रहे हैं फिल्म में, जो पेशे से तो एक राइटर है लेकिन फिर भी एक अच्छी कहानी की तलाश में अपने कोलकाता, अपने रूट्स की ओर जाता है। और वहाँ पे बिंदु उन्हें दिखती है, जो उनके बचपन से ही कहीं ना कहीं उनके साथ पले बड़े रहते हैं, और वो मिलती है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक बात की जा रही है इसके पूरे रिव्यूज़ के बारे में जो साइट्स पर, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से बात की जा रही है और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, और साथ ही साथ रिव्यूज़ के हिसाब से क्रिटिक्स को भी फिल्म पसंद आ रही है। मैं जैसे अगर बात करूँ रिव्यू में हाल ही में इन्होंने क्या लिखा है, देखिए वन ऑफ द रिव्यूअर्स, नाइस स्टोरी विच वॉज वेल डन बाय कैरेक्टर्स अभिमन्यु रॉय एंड बिंदु। अक्षय रॉय जो डायरेक्टर फिल्म के, हैज़ डन गुड वर्क। म्यूजिक लवर शुडंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर बुकिंग द टिकट्स, यानी कि जो म्यूजिक लवर है फिल्म को दोबारा भी सोचे नहीं कि ये फिल्म जाए कि ना जाए, ऑफकोर्स वो जाए। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मूवी है। ऑफ कोर्स इन्होंने 2 घंटा कुछ 2.5 घंटे 2.5 घंटा रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ मूवी ज़्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ 2 घंटे की है। ये जहाँ तक रिव्यूज़ की बात करें, रेटिंग्स की बात करें, तो देख सकते हैं आप 3.5 स्टार्स रिव्यू दिए हैं इन्होंने, जो कि एक अच्छा खासा रिव्यू है। और प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बता रहे हैं, तो प्लस पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छा है दोनों का, केमिस्ट्री अच्छी है, म्यूज़िक बहुत सही है। एक्चुअली सचिन जिगर का म्यूज़िक है, म्यूज़िक के हिसाब से बहुत सही फिल्म है। और लो पॉइंट ये कि स्क्रिप्ट थोड़ी सी ढीली है। और एक और रिव्यूअर्स के पास अगर चलते हैं, तो इन्होंने जो क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। गुड पॉइंट उन्होंने लिखा है कि 90s के जो बच्चे थे, 90s में जो पैदा हुए थे, उनके जो चीज़ें थी, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी, या बाकी जो चीज़ें हम जो ऑडियो कैसेट्स उस टाइम पे होते थे, और जो भी चीज़ें नेबर्स के साथ मस्ती करना हो सब, वो हर चीज़ें बहुत अच्छी तरह से अक्षय राय जो डायरेक्टर है उन्होंने दिखाई है, जो बहुत अच्छी लगी है क्रिटिक्स को। और साथ ही उन्होंने तारीफ की है अक्षय रॉय की, डायरेक्टर की, कि उन्होंने कोलकाता को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। और तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छी तरह से ये फिल्म के बारे में बात की जा रही है। म्यूजिकली बहुत अच्छी फिल्म है, और ये एक थोड़ा सा कुछ बैड चीज़ बताई है, यानी कि कुछ बुरी चीज़ फिल्म के बारे में जो उन्हें लगी क्रिटिक्स को, वो ये कि बिंदु का करेक्टर जो है थोड़ा सा मिसमैच करता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कंगना का करेक्टर है तनु वेड्स मन्नू का, और कहीं ना कहीं अनुष्का का करेक्टर है ए दिल है मुश्किल का, थोड़ा इस तरह से कॉमननेस लग रही है, बट ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है। और यही सब चीज़ें हैं दिखाई गई है, मेरे ख्याल से ज़्यादा गलत चीज़ें तो नहीं छापी गई है, अच्छी चीज़ें ही छापी गई है, जो एक बहुत अच्छी पॉइंट होगी। अब मैं बात करता हूँ जो ऑडियंस ने रिव्यू दिया है, ऑडियंस ने जो कहा है फिल्म के बारे में, उसके बारे में, यानी कि जो पब्लिक जो देख रही है फिल्म के बारे में, भाई साहब ने कहा है, आई माइट बी हाईली बायस बट आई एम प्राउड ऑफ इट, मेरी प्यारे बिंदु इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द ईयर। इन्होंने तारीफ की है सीधा सीधा फिल्म की। और स्क्रीन काउंट के बारे में अगर देख लो, तो स्क्रीन काउंट 750 है, तो फिल्म की तारीफ ज़रूर हुई है, लेकिन स्क्रीन काउंट कम है तो उसके कलेक्शंस भी कम होंगे, सीधी सी बात है, जो एक बहुत बड़ा सवाल और सिरदर्द होगा। अब मेकर्स के लिए और तारीफ आपको बता दूँ, जो जो की है फराह खान ने भी कहा है कि फिल्म को जाके देखिए। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो मुझे लगा बहुत अच्छा कमेंट, ये लगा, ये ट्वीट लगा, मारिया कह रही है आई लव द रोल कोस्टर मेरी प्यारे बिंदु, यू गाइज वेर जस्ट ऑसम एंड यूर रियल स्टोरी एंड यूर लव स्टोरी रियल, मतलब इन्हें बहुत पसंद आई। और एक और भाई साहब ने कहा है सो हैप्पी ऑल दोस्त आर वॉचिंग डे वन एंड एंड फॉर अदर्स हु ग्रेजुएट, इन्होंने तारीफ की है और साथ ही कहा कि फिल्म जाके देखिए। और कहीं ना कहीं बस सभी ने एक अच्छा अच्छा चीज़ें कही है, जो एक अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें मुझे सामने दिख रही है कि 15 करोड़ बजट है, जो प्रमोशंस में 7 करोड़ गए हैं, तो करीबन करीबन जो 22 करोड़ तक का खर्चा गया है। स्क्रीन काउंट 750 है, वर्ल्ड वाइड स्क्रीन्स मिलाकर इन्होंने कहा है 1025 है। ये सब चीज़ें आपको पता ही चल गई है, तो एट द एंड मैं यही कहूँगा मूवीज़ के रिव्यूज़ के हिसाब से, और म्यूजिकली मुझे भी म्यूज़िक बहुत सही में अच्छा लगा है इसमें, मैं खुद की ऐसा खुद बढ़ाई नहीं करने वाला हूँ कि मुझे अच्छा लगा तो आप देखिए, लेकिन फिर भी एक हद तक जहाँ पे म्यूज़िकली फिल्म आजकल उतनी नहीं बन रही, उस हिसाब से एक अच्छी फिल्म है। तो आप लोग अगर फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म जाके देखिए, मेरे हिसाब से एक अच्छा पिकअप, एक अच्छी चॉइस है। तो आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में, कि आप देखने वाले हो नहीं, आप जरूर बताइएगा। चलिए, अब तक के लिए बाय बाय।